हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग की दुआ की वजह से मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं। तो परसों की ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाया था कि जो बेबी डक्स है ना, वो अंडे से निकल रहे हैं। फाइनली दोस्तों, सभी अंडे से बच्चे निकला है। एक्चुअली सभी बच्चों को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर इन बच्चों को फीड खाने के लिए दिया है। यहाँ पर दोस्तों टोटली कितने बच्चे हैं वो आप लोगों को कॉमेंट करके बताना होगा। मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़े समय के लिए क्लियरली दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कितने बच्चे हैं, कॉमेंट करके मुझे बताइए। ये देखिए, ठीक है, थोड़े समय में ऐसे रखा। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चे को फीड खाने के लिए दिए गए हैं और इन बच्चे की जो माँ है ना, वो यहाँ पर है। देखिए आप लोग यहाँ पर है। एक्चुअली ये क्या करती है, बच्चे को जो फीड दिया गया है ना, वो खा लेती है। सो थोड़े समय के लिए माँ को यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए इन बच्चे की माँ, आय हाय कैसे कर रहे हैं, देखिए 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 अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बाप, ये देखिए ऐसे ही रहते हैं ज़्यादा समय, अटैक की मूड में। देखिए आ जाओ आ जाओ। तो देखिए कितने खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट बेबीज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, है ना। देखिए किस तरह फीड खाते हैं ये डकलिंग्स, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अरे बाहर मत जाओ यार, इधर ही रहो। तो माँ को यहाँ पर आने देते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं बच्चे के साथ माँ को रख दिया। ये देखिए यहाँ पर रख दिया। दोस्तों डक ना इस मोबाइल पर ही हमला किया, इसलिए मैं चला आया। दोस्तों मैं आप सबको कहा था कि मैं एक्वेरियम बनाऊंगा, ठीक है। तो एक्वेरियम बनाने के लिए बहुत सारे सामान खरीदना पड़ता है। तो बहुत सारे सामान जो है मैं फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया, अमेजोन पर ऑर्डर किया, तो आज एक आया है, अभी मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए इस रास्ते से जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन रोड है वहाँ पर जाना पड़ता है एंड वहाँ पर ही वो बंदा आएगा, मतलब जो डिलीवरी बॉय है वो आएगा। तो चलिए सबसे पहले पिकअप करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो फाइनली आ चुका है पार्सल से। हाँ पार्सल का से। ये बन रहा है हुनकल जा है माल को मतलब हुनकल है चले। हेलो हेलो। तो फाइनली दोस्तों पिकअप कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है वो मुझे पता है, बट आप लोगों को पता नहीं है। तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पानी है ना, बहुत ही कम हो गया है, सूख गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं हफ्ते से फिशिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बट अफसोस की बात यह है कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि पानी में मोबाइल लेके जाना एक्चुअली ये रिस्क होते हैं। गोप्रो होता तो कोई रिस्क नहीं होता, बट मोबाइल इम्पॉसिबल है भाई। तकरीबन 2 महीना हुआ है इस रास्ते से मैं घर नहीं आया। देखिए यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या है ये, कैच कीजिए। एक्चुअली दोस्तों ये प्लांट्स है आर्टिफिशियल, ठीक है, एक्वेरियम के नीचे रहता है ये। तो पहले इसको अच्छे से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ढेर सारे हैं, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत सारे, बहुत ही छोटे छोटे ये देखिए प्लांट्स है जो एक्वेरियम के नीचे इस तरह रहेगा। ये देखिए आप लोग बहुत सारे हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लांट्स है इस तरह। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स है और एक्वेरियम के नीचे इस तरह रहेगा, ठीक है। वैसे एक्वेरियम के नीचे ना इस तरह रहेगा, तो सोचिए कितना खूबसूरत देखने को मिलेगा तब।
जब इन सभी प्लांट्स को एक्वेरियम में रखूंगा। एक्वेरियम के लिए एक्चुअली जो फिल्टर है, जो एयर पंप है, सब कुछ मैं ऑर्डर किया, एंड ग्लास को जोड़ने के लिए जो सिलिकॉन है ना वो भी ऑर्डर किया। वो से एक प्रोडक्ट आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गिनी पिग्स को जो काला चना है वो खाने के लिए देते हैं। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? अरे हटो यार। अरे यार यहाँ पर रख दिया। एक्चुअली इन सभी को पता चल गया कि मैं क्या देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसा कर रहे हैं। अरे लाइन लगाया है, इसको रखने का मुझे चांस ही नहीं मिलेगा अभी। ये यहाँ पर दे दिया और देखिए सभी खाने के लिए आ गया है और बहुत ही मजे से लोग खाते हैं काला चना। ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो गया है। मैं एक्चुअली काफ़ी डर गया था क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 बजेस है एंड 2 गायब है। तो एक्चुअली इन सभी बजेस को जो सॉफ्ट फूड है ना वो खाने के लिए दिया था और इस चीज़ में रखा था, और खाने के बाद देखिए 2 बजेस यहाँ पर अटक चुका है। ये देखिए यहाँ पर फंस चुका है और रिलीज कर दिया। दोस्तों बटर के जो बच्चे हैं ना वो सभी बच्चे ठीक ठाक हैं और ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं। मेरा आवाज़ सुनते ही ये लोग खड़ा हो गए हैं और ये यहाँ पर सो रहे हैं और ये भी यहाँ पर सो रहे हैं। तो चलिए थोड़ा फीड इन लोग को देते हैं। यहाँ पर देता हूँ, देखिए तो हो गया। ये बच्चा ना काफ़ी तेज़ मूविंग करते हैं, देखिए आप लोग सिर्फ दौड़ते रहते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं चूहे का अपडेट देना चाहता हूँ। इस फीमेल को नेस्ट बॉक्स बना के दिया, एक्चुअली रात के समय दिया था, एंड जो नेस्ट में मटेरियल्स रखना है ना वो भी मैं ऑर्डर किया, तो आने वाला है बहुत ही जल्दी। यहाँ पर दोस्तों जो फीमेल है ना जो बच्चे दी है वो यहाँ पर है। और दोस्तों आज मैं इन बच्चे को ना आप सभी को क्लियरली दिखाऊंगा। एक्चुअली काफ़ी दिनों से दिखाने की उम्मीद कर रहा था बट दिखा नहीं पाया। तो ये देखिए यहाँ पर 4 बच्चे हैं एंड 3 बच्चे यहाँ पर है। ये देखिए सभी को पकड़ के यहाँ पर दिया और आप भी देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। अरे ये देखिए कहाँ जा रही है। अरे नीचे उतरो भाई, माँ जैसा करती है ना बच्चे भी वैसा ही करता है। ये देखिए खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए चूहे के बच्चे आप लोगों को कैसा लगा। बाय द वे चलिए इसको अंदर रख देते हैं ताकि सभी बच्चे नेस्ट बॉक्स के अंदर आ जाए, ठीक है। ये देखिए जाना शुरू हो गए हैं, माँ भी गया और बच्चे भी आ जाएगा। अरे ये अभी तक उतरा नहीं यार। हाँ उतर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों ये है मेरा क्यूट बेबी रैबिट्स, काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं और देखिए ये मेरा गोद में है, ठीक है। ये कोई रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दोस्ती हो गए हैं। तो चले इसको हमारे रूम के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अरे रुको 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 रुको, इसको बेड में रख दिया और ये यहाँ पर खेलेगा कूदेगा दौड़ेगा। ये देखिए अभी मैं फिश को एक्चुअली फीड देने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए फिश यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा फीड देता हूँ। ये देखिए सभी फिश यहाँ पर आ गया है और किंग फिशर यहाँ पर आ गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस ये मुझसे ना फिश मांग रहे हैं, देखिए आप लोग मेरे उंगलियों के ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरे जाओ यार। ये देखिए मेरे छत पे चढ़ गया है, जा नहीं रहे। मैं जाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बट ये नहीं जा रहे। हाथ पर बैठ गए, देखिए परसों हम एक यहाँ से मिलन लेके खाया और देखिए आज ये पक गया है और काफ़ी स्मेल भी निकला है। ये देखिए किस तरह पक चुका है। और आज का जो मौसम है ना दोस्तों वो ठंडा ठंडा है, देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, शायद कैमरा में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।